Good morning, dear students. In earlier class, we have read page number 11, and now this is page number 12. Here is a rhyme which is which to, uh, heading is the paddling pool. Down by the river on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water cool, and we stay to play.

पैडलिंग पूल में कागज़ के नाव बनाकर खेल रहे हैं तो ये पैडलिंग पूल जो है जब ये स्कूल जाते हैं तो इनके रास्ते में पड़ता है तो फिर से हम लोग पोएम को रिपीट करेंगे डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल रिवर से जो छोटा पैडलिंग पुल होता है उस और जब स्कूल के रास्ते में वो पड़ता है तो वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पुल तो स्टूडेंट्स जो है वो पैडलिंग पुल से पास करते हैं और वहाँ पे जो है द ग्रास इज़ ग्रीन हरे हरे घास हैं उसके बाद एंड द वाटर कूल वो जो ठंडा पानी है उसमें बच्चे लोग कागज़ की नाव चलाते हैं पैडलिंग पूल वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे कागज़ की नाव चलाते हैं ठीक है एंड वी स्टे टू प्ले बाय पैडलिंग पूल और वहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद घर जाते हैं ठीक है दैन अगेन द सेम एवर टू लाइन्स आर रिटर्न डाउन बाय द रीवर ऑन द वे टू स्कूल सो यू हैव टू रीड आउट रिसाइड दिस पोएम लाइक दिस डाउन बाई द रीवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल एंड वी स्टे टू प्ले बाय दैडलिंग पूल डाउन बाय द रीवर ऑन द वे टू स्कूल तो आप लोग इस पोएम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर थर्टीन की ओर तो यहाँ पे पेज नंबर थर्टीन में आपका पहला टॉपिक है लेट्स राइट तो इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स तो इस ब्रैकेट में जितने वर्ड दिए हुए हैं वो आपको नीचे फिल करने हैं तो पहला क्या है बोट्स तो, तो नाव क्या करता है तैर नदी पर तैरता तैर है तो इसमें हो जाएगा बोट्स सेल सेकेंड डॉग्स बार्क कुत्ते जो है वो भोंगते हैं थर्ड टिल चिल्ड्रेन प्ले तो बच्चे जो है खेलते हैं उसके बाद बेल्स रिंग तो घंटी जो है वो बजती है उसके बाद बर्ड्स सिंग तो चिड़िया जो है वो गाती है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक यू कैन बिगिन विथ संडे तो यहाँ पे आपको वी uh, वीक में सेवन डेज होते हैं तो सेवन डेज के आपको नाम लिखने हैं तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे संडे से तो हम लोग लिखेंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे तो हल्दी जो है वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर अपना नाम कैसे लिखती है हल्दी ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखा हुआ है हल्दी तो यहाँ पे देखिए हल्दी तो नाम है तो यहाँ पे ये एच जो है पहला लेटर इस वर्ड का स्मॉल लिख देती है हल्दी तो ये वहाँ पे एक गलती कर देती है तो यहाँ पे लिखा है सीमेड वन मिस्टेक व्हाट वाज इट तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे हल्दी लिख देंगे एच को कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे ए एल डी आई इस तरह से हल्दी लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पे आप सिर्फ इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे क्योंकि कोई भी नाम हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है जैसे आपका नाम आ, अच्छत है या कुछ भी है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है ठीक है तो इस तरह से हमने आज ये तीन क्वेश्चन आंसर्स किए पेज नंबर थर्टीन के और आगे की आगे का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक ये मैंने जितने भी ये तीन क्वेश्चन आंसर आंसर करवाए हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अब आगे जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक में उसको अच्छे से पढ़ेंगे याद करेंगे थैंक यू सो मच